नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में वीके वीज़ा सर्विसेज की। मैं हरिंदर आप सभी का स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ नॉन एसटीएस फाइल, नॉन एसटीएस विद आइल्स स्कोर। जिन फाइल्स में आइल्स 6 विद 5.5 है, ऑल दो अभी 3-4 कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी आइल्स 6 विद 5.5 एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे कि सेंट क्लेयर कॉलेज, सॉल्ट कॉलेज, कैनाडोर कॉलेज और एक और कोई कॉलेज हो सकता है, तो इन तीन कॉलेज का तो श्योर है। क्या हमें इस स्कोर पे वीज़ा मिल सकता है? थोड़ा सा मुश्किल है। अगर मैं एक प्रोबेबिलिटी की बात करूँ ऑफ गेटिंग वीज़ा विद आइल्स 6 विद 5.5, दैट इज़ नॉट दैट हाई। इफ़ वी कंपेयर इट फ्रॉम आइल्स ओवरऑल 6 विद नॉट लेस देन 6 और ओवरऑल आइल्स विद 6.5 विद नॉट लेस देन 6, कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपना वीज़ा एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं विद आइल 6 विद 5.5 तो वीज़ा के चांसेस कम है, 6.5 विद 6 या फिर 6 इच के साथ में वीज़ा के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। कहना ये चाहता हूँ कि बहुत स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कहीं दूसरी प्रोविंस में अप्लाई किया था पहले, जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स भी हुए उनको, उनका आइल 6 विद 5.5 था और वहाँ के वीज़ाज भी आते थे, बहुत अच्छी बात थी, बहुत माना जाता था उस चीज़ को। बट इस वक्त आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपका आइल 6 विद 5.5 है, आप ज़रूर अपने कॉलेज की ऑफ़र लेटर ले लीजिए, चाहे सॉल्ट कॉलेज हो, सेंट क्लेयर कॉलेज हो, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। बट जब आप अपना वीज़ा फाइल करो ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना आइल्स रिपीट करो, ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 6 एसटीएस में फाइल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है ज़्यादा वीज़ा में, वीज़ा निकल जाता है आराम से। बट कई बार ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव जाता है तो कहीं ना कहीं वीज़ा जो है वो रुक जाता है, बट जनरली ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि आई 6.5 विद 6 में आपकी रिफ्यूज़ल आए। मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ एंड आई नो वेरी वेल कि कैसा ट्रेंड रहता है, और कब ऐसा भी होता है बीच में कि हर एक को रिफ्यूज़ल, 7 बैंड्स वालों की रिफ्यूज़ल भी मैंने देखी है खुद फाइल करके विद ईच एंड एवरीथिंग करेक्ट, और उसके बाद सेम में जब रिफाइल डाला देन आराम से वीज़ा आ गया। बट 6 विद 5.5 पे रिस्क थोड़ा सा ना उठाएं, जब तक आपकी फाइल एसटीएस नहीं है वीज़ा आप अपना अप्लाई ना करें, क्योंकि वैसे उनके पास इतनी एप्लीकेशन हैं, यू नो 1.7 मिलियन एप्लीकेशन उनके पास वैसे ही हैं। मैं स्टूडेंट परमिट की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, तो 17 लाख एप्लीकेशन हैं, 1.7 और 1.8, आई एम नॉट वेरी क्लियर विद द फिगर्स, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब इतनी एप्लीकेशंस क्यों में है, तो क्यों ना हम एक सुपीरियर कैटेगरी में अपनी वीज़ा फाइलिंग रखें, क्यों ना हम एक थोड़ी सी ज़्यादा होप के साथ अपना वीज़ा अप्लाई करें। रिक्वेस्ट है सबसे कि एजेंट्स की बातों में ना आकर आप अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाएं पहले, आप अपने आइल्स ले लें पहले। 6 विद 5.5 पे इतना ज़्यादा फ्यूचर देखने को नहीं मिलेगा इन फ्यूचर, मैं ऐसे ही एक प्रेडिक्शन रख रहा हूँ, बाकी रियल ग्राउंड्स पे क्या होता है दैट इज़ एंटायरली सेपरेट थिंग। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, विल बी टू सून इन अनदर वीडियो, थैंक यू।